दोस्तों मैं हाँ तोरा दोस्त गजनफर अब्बास अज डेली मीटिंग नाल मौजूद हैं त्रैकी वसू के महान दानश्वर तुहाडे सारे दोस्त सही अज असा महमूद निजामी साहब के नाल त्रैकी तहरीक के बारे विच ये जड़ा मुल्तान दे विच या बावलपुर दे विच जिन्हों की पंजाब सूबे का जो सेक्रेटेरिएट कायम की थी पीटीआई की सरकार में इन बारे भी गाल करे सो उस्ताद जी क्या हाल चाल है तुम्हारा ठीक हो खुश हो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सही है। मैं दिलाऊं मैं देखता हूँ सुबह बिजार का खैर है। निजामी साहब आवाज आ नहीं पी तो अभी जी हाँ आवाज आ रही है ऐसे उस्ताद जी तुहाडे नाल गल करदा पिया तुहानूं आवाज आउंदी पई है जी हाँ सही मेरे नाल आवाज आनी पड़ी है जो बकवास थी मेरे बच्चों की मेरे तो आवाज आनी पड़ी है लेकिन हूँ नहीं आनी पड़ी तो सजी अलग अलग हो रहा है। उस्ताद जी की में दे पाओ तुसा सरायकी तहरीक सूबे दी वालू तहरीक के नतीजे दे विच रियासत पाकिस्तान वाल हुकूमत पाकिस्तान खास तौर पर ब्रिटिश सरकार ने जड़ा वादा किया सूबे का 100 दीवार बना के देवन का वाल सैक्रटरी ये वादे तो उन्हें होने हैं ना कि ये तो जिन्हें जनूबी से महाज बना के इतने मौका पर सियासतदान या सारे बड़ा तारीख इंसाफ इज्जत थी जन सऊदी अरब सूबा वो तो चुके बहुत सारे बहुत हैं ज्यादा वो करे ना तो मुझे कहा है कि और ये बड़े बढ़ के जितना ही दबाव हो सी उतनी जल्दी चीजें वैसे एडा इन्होंने सेक्रेटेरिएट बनाए ता ये अजीबो गरीब गाल है कुछ हिस्सा बाबर को तो कुछ हिस्सा मुल्तान को है को राजी करने एक जमाने ये इन है कुछ में कॉलेज जो है मुल्तान में हॉस्टल रख रहे हो डेरा गाजी खान हर हाल वो तरक्कीकत ये चाहते सबोटाज वो उन्हें वो एक गाल हमेशा याद है ना और जीवी के झूठ है और इतरा है ਉਹ ਆਦੇਨ ਕਿ ਇਹ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਬਾਸ਼ੀ ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਪਸਮਾਨਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਤਾ ਦੇ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਜਾਤ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥਾ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮਸਲਾ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਕਾਫਤ ਹੈ ਕਲਚਰ ਹੈ ਔਰ मैं उस सकाफत और कल्चर और उधर नतीजे जी छोटी मोटी तारीख और ही वसूदा यानी पहचान मैं उदी बुनियाद तो सूबा मंगता और ये सूबा मैं ये बस देख ही मंगता कि को मैं नमी गाल क्या कर रहा हूँ मुल्तान सूबा हाँ पिया ये इलाका सूबा हाँ पिया पहले बोलो इनको खत्म किया गए और ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚ ਇਹਨੇ ਤਾਸੁਬਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵਸੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਸਾਇਲ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਜਿੰਦੇ ਕੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਕੋ ਸੈਕਟਰੀ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਠੀਕ ਆ ਫਲਾਤ मसला भी है सबको आम शनाख्त का मसला है। मैं पाकिस्तान के बीच स्त्री आबादी सराय के इलाके लिए और मुतसिले एक अलहदा वजूद रखते हैं अलहदा शनाख्त रखते हैं अलहदा मेरी पहचान है मैं ऊंधी बुनियाद से बैठा था ई तो डटर खाओ जेड़ी जात कोई एक एक ई जा एक टाइप की गाल थी ये तुसा दे वैसे था माशी मसला है एक कहीं भी नहीं समझा कि बंगाल का इस्तेसाल थी ना बिल्कुल ठीक है बंगाली पहले पहले एहतजाज कितने की था पहले पहले जबान ने की तो ने सारी अलहदा जबान है इनका मतलब एक है सारी अलहदा शनाख्त है
और पाकिस्तान के अंदर सारा कौमा जितने भी रहा सब एक एक शिनाख्त है, मेरी भी शिनाख्त है। अच्छा और सवाल किया है, मैं आखिरी बार जिया साहब ये ठीक गाल है कि ये मेरी मीशत का सवाल है, ये मैंने पाले दी मुलाजमत रोटी रोजी रोटी का सवाल है, बिल्कुल सवाल ठीक है, इधर मेरी झूमर तारी का सवाल ही है। तुसा जो दम डे आखो ख्वाजा फरीद पंजाबी शहर है, किन्नू आया पंजाबी शहर, तुसा जो पूछी जे बाल को लंबा नड़ी वाला हुक्का दिखाओ वो तो सकली नहीं पीता। सो ये सारा गाली और ये और शरा बल वसु हिको जाइए बल अच्छा बल सराय के इलाके जो कुछ तरक्की अफकारी सारी पसमान की है, ये उनको बहमीज ने दिए शराख्त मामले को माशी पसमान की और उनका इस्तेसार माशी तौर पर पसमानदा क्यों होंगे, ये तो दुनिया ने भी अजीब व गरीब खिता है सराय की के टैलता का इलाका दरिया का समुद्र वाला होंगे छर्रे वाली कार बन के ठाते ये कोई पूरे ते देखे कोई मैदान ते देखे तो झरना है दरिया में लगे ये वाला भाई जो पता लगे कि जो डेल्टा दे इलाके जा गए हालांकि डेल्टा नहीं लेकिन झरने वाली कार इंडो सूत्र जे इंडो या से इंडो रावी इंडो चराब झेलम इंडो मशरकी इंडो मगरबी तब ये गाल है, बाकी वो सबोटाज करने की कोशिश है सराय की सूबे मूवमेंट को सेंट्री मंगला मैं 100 रुपया मैं कुछ दिन हाँ सी ये टॉफी गिन जा ये अजीब गाल है, मैं शनाख्त का मामला आधा बैठा इन उत्ते समझौता कहानी और एक का नंबर टू का ले मैं को एक आप समझ दिया थी कि आखिर रुकावट क्या है। मैं जरा आपको ही कार्य करा जब मैं समझना बैठा गाल रुका सियासत ने पास कर ली थी पंजाब असेंबली ने मुस्लिम लीग के दौरे ओ भाई कहने के ए भाई जनूबी पंजाब से बाहर लोग इको याद रखते हैं ये याद नहीं रखते कि उन्होंने आके पंजाब को त्रोड़ दो, पंजाब असेंबली ने मुत्तफिका फैसला की थे कि पंजाब को त्रोड़ दो, ये अजीब और गरीब बात है। तो सब सब दे ले बहावलपुर आई जी थे दो सेक्रेटरी वानी यूनिट थी असेंबली दे बीच वानी यूनिट के खिलाफ मुत्तफिका करारदाद पास रही है बिल आखिर या खा थोड़ी थी दस साल मार्शल लगा रखे उनके बाद जो छुट्टे वन यूनिट टूट गया। सो सही की सुबह जी मूवमेंट होते अच्छा बाल ही गाल है मैं अर्ज करे सर सारे सराई के दोस्त हैं तो जेड़े भी हैं ये गाल ना बरबला इजहार करें जोर नाल इजहार करें कि मैं सराई किया जिथे ही कुबे जिथे ही आके हर जाते कोठे की छत को खड़ के थाना पुलिस यूनिवर्सिटी जिथे बाल बैठता है अच्छा अपनी शनाख्त इजहार करें और खुल्ला खुल्ला करें बगैर कई खौफ थे। मैं यानी मैं तो आपको अर्ज करने वाला कि ए सराय की सुबह बहास पाकिस्तान सराय की पार्टी छोटा चौहत्तर पचहत्तर अखीर सराय की कॉन्फ्रेंस पूनम ने मनिया पाकिस्तान की पार्लियामेंट का सवाल थिया मैं खुद की उम सराय की सुबह जी निकाल कर पार्लियामेंट की कमेटी मेरा मतलब है एक अहम पोलिटिकल इशू है ता इको पॉलिटिकल तौर ते हर करन ई न करन मैं कुछ मंगदा होगा को कुछ लेने दे मैं सराय की सुपा मंगदा सराय की शराख्त ते मैं कई जरूर पंजाब दा कायल कानवी अगर चे सियासतदान आधे रहे वे तो पार्लियामेंट की चीजा लेकिन एक आज तय है कि मेरी शराख्त है ई दे उते समझौता कानी मैं आईजी नाल ते डिप्टी आईजी जो क्या होना सेक्रेटरी बैठे नाल मेरे मसले हल नहीं चीजें मेरा मसला ये है कि पसमानगी दे नाल नाल मेरी माश की इस दरसाल दे नाल नाल मेरी शराख का मसला भी है और एक कदीम को आंदा पाए मैं नमी गाल भी क्या करना सो एक गाल है एक डेरी है वन वन विला के दिते ने बावलपुर ते मुल्तान दे विच इन्हें उत्तर तो ना क्या हाल है सेक्रेटरीट दे ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਖਾੜ ਖੜੀ ਮਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਿਆ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਟੂਟਾ ਫੀ ਗੇ ਅੱਛਾ ਚਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣੇ ਚਲੇ ਉਤਲੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ
और पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने सूबे का कमिश्नर बना जल्दी में पेश किया वाले सेक्रेटरी वगैरह की क्या जरूरत है, मुकम्मल सूबा दे मेरा अलहदा करें तो साबू अच्छा मुकम्मल सूबा सेक्रेटरी वगैरह क्या अलग है। है, लेकिन हुन तक सेक्रेटरी बन गए, उन्होंने नोटिफिकेशन ही कर लेते, अफसर ही बिठा लेते हैं, 11-12 सेक्रेटरी भी आ गए हैं। ये जरा कदम है मौजूदा हुकूमत का, ये कुछ उच्चा नहीं चाहते। दोस्तों आज निजामी साहब के नाल बैठक का आहर किते से ते इंटरनेट दे कनेक्शन दी वजह तो बार बार डिसकनेक्ट थींदा पे मामला, ट्राई करेंदे पे उस्ताद निजामी सर ने रला वन बिल्कुल रलन। उस्ताद जी गाल को जारी रख सो। गाल को जारी रखो उस्ताद जी, तुम्हारी आवाज आने की ठीक है बस वाज़े आंदी भी तारी सा तारी आवाज आंदी कि साजी तो सा गुफ्तगू जारी रखो अपनी। मैं को लगते इंटरनेट दी वजह तो उस्ताद निजामी साहब तो सही आवाज नहीं पी वेंदी, कोशिश एक दफा बुला कर लेते हैं। निजामी साहब हुण तो आपको आवाज आनी पिए साजी, तुसा गुफ्तगू जारी रखो अपनी, थोड़ी आवाज आनी पिए। आवाज थोड़ी है पे उस्ताद जी, तुसा गुफ्तगू करो। दोस्तों कोशिश कर रहे पे हैं निजामी साहब नाल सारा राबता वला थी सके। निजामी साहब ने असा सवाल किया हा जो पीटीआई सरकार ने वादा किया हा कि वो इकतदार आवन दे 100 दिन के अंदर अंदर सराइकी सूबा बनाने वास्ते अमली कदम जड़ा है वो चाहते। उन्होंने अमली कदम क्या चाहना हा, 2 साल मुकम्मल थी गए तो पीटीआई सरकार का 3रा साल है, तो इन उन्होंने सैक्रटेरीएट आहर किए। वो सैक्रटेरीएट भी इवें है कि कुछ अमला जोड़ा है वह बासी भावलपुर के सैक्रटेरीएट का, कुछ अमला कुछ सैकटरी जोड़े वह बासन मुल्तान के। उस्ताद साहब ने सवाल दूजा मैं ये करना बैठा हम, बल्कि उस्ताद साहब उस्ताद साहब ने दूजा सवाल मैं ये करना बैठा हम कि पी टी आई का जोड़ा ये अमल है एक सराइकी जो सारे सियासी जमात है उन्हें का जोड़ा किरदार है की तहरीक के हूँ तक जेड़े वे पीपल पार्टी कोई इन तरह की मूव करे तो पीपल पार्टी के खिलाफ अलाव वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारा गाली थी असा सराइकी लोग भी खास तौर पर जाहिर है सारी योज होती है कि पीपल पार्टी सूबा रहे सी सराइकी पार्टी का जोड़ा मौजूदा किरदार है वो सराइकी सियासत को ज्ञानबाजी की हद तक रखे करें, क्योंकि जो मफादात के हामिल लोग हैं वो
मुल्क में बड़े पार्टी मौजूद थे और तो मैं कहे सराइकी के नाम से बहुत घिनर चाहते, लेकिन सराइकी आवाम भी सराइकी सूबे के मुतालबे के बीच कामयाबी को खौफजदा भी है। मसला यह कि 75 को जो सराइकी कॉन्फ्रेंस थी मुल्तान से उसके बाद सराइकी दानश्वर हैं तालिब इल्म हैं और सियासी कारकुन ने मिल के सराइकी की सूबे की जदोजहद की थी तो वो अनपढ़ लोग हैं, कोई पैसे वैसे का नहीं, जिंदगी की मुशक्कत आई बेहतर किता से अज किता उन्हें लोग एक कमाल कर लिखाए और ये वाहिदे पूरा मन तहरीक है और इन्हें लोगे दी जहनी और जिस्मानी मुशक्कत ने एक कमाल ते पहुंचाए कि आज ये पार्लियामेंट लाइन सवाल पड़े पंजाब सूबे ने भी पीते पंजाब को त्रोण लाके और सराय की सुबह ने सही जरूर भी पंजाब सैबोटाज करे तेरे मफाद परस तबकात हमेशा कोई भी मुतालबा मनन कीते लोग ना तैयार नहीं होंगे ये उन्हें जी असूल है ये जरा होने है सराय की पार्टी का किरदार उन्हें कुछ चाहिए है कि ई सेक्रेटरीट वाले मंसूबे को मुस्तरद करें और आखिर सी यह सत्तारे को सेक्रेटरीट ना मंग गया और तू सभी सेक्रेटरीट का वादा ना किया तारीख इंसाफ वाले साहिबान तुसा क्या सूबा बना रहे सो तुसा सूबा नहीं बनाया सेक्रेटरीट का मुतालबा असर नहीं किया तो ये रोला किचो क्या है मसला ये कि ये है सराय की सूबे को सैबोटाज करने की साजिश। अच्छा और इनका तरीकाकार क्या है मैं शनाख्त सूबा मंगता मैं आता है मेरी शनाख्त है और नाल माशी पसमानगी है वो आते ने गुड गवर्नेंस का मसला है कि सूबा बना बनाए ते इंतजाम सही नहीं पिया लोगों को तकलीफ है लाहौर पिया ये ही सवाल है लोगे वो अब तू सादे में ना कि ये लोगों को तकलीफ है ये हुड क्यों होती क्यों सूबा तो आगे भी भोजन रहा हुड क्यों याद आ रहा पे ये सराय की पार्टी ने ये साफ लोग हैं उन्होंने मुतालबात उन्होंने रेजोल्यूशन और जलसे जुलूस की थे मुशायरे उसी का कम अज कम मैं सराय की पार्टी जीत लेते ही जेड़ा भी है मौजूद छोटा भावे बजा शाह सराय की दानिश शाह सराय की तालिबिल जब तक हिको मुतालबा के लिए सारा सराय की सुबह ही वाहिद मुतालबा है और ये डट के खुला खुला स्टिकर पोस्टर हर जगह इधर कि मैं सराय किया मैं पंजाबी नहीं मैं अलग था सो एक पूरे वसेब दे बीच गांव गांव बस्ती बस्ती ये सराय की जमाता पैगाम पूछा मेरे इतनी साल ठीक है सच तो जन मेरे कहीं कोई मसला तो पड़ा ऐसे प्रोजा भी ने बेईमान भी इंतहा है कि सूबे के बिना सेक्रेटरीट क्या पंजाबी सब नहीं सेक्रेटरीट ला क्या उतना क्या पंजाब को त्रोड़ पिछली कर गई तू सा क्या सौ हूं करा दा तू सा क्या तारीख सौ जाने सूबा बड़ा सू ये खिसरो बख्तियार ते फलाने ते बे सारे उन्हें जरूर भी पंजाब पूछे जाने दम ठीक है पता नहीं कह दिया आप हम या मौका पर आज यहाँ वाले मैंने पढ़ने का ख्वाहिश मंग आपने आवाम होते जुल्म और सितम और उन्हें मुताल उन्हें को यानी कोई हैसियत न देवर उसके बाद के सारे दांत समझौता बाजी कर बख्तियार साहब को पूछवा कि तू जले बनाया सेक्रेटरीट ना क्या थी सूबे ना क्या थी या सारा मुतालबा सेक्रेटरीट ना या सूबे ना मैं ये तारीख ना सीनियर कार बोलना ऐसा कहना ही भी सेक्रेटरीट नहीं बन गया ऐसा आया कहे कि माशी सारे खिते ना माशी इस्तेमाल क्या थी ने और वसेब भी माशी सुरतयाल हिक्का है ये आसानी शनाख्त लेता है इन शनाख्त उत्ते ऐसा कुछ सुपर है ताकि ऐसा अपनी माशी जिंदगी को बेहतर कर सकूं दोस्तों उस्ताद महमूद निजामी साहब नाल असाज
बैठक रखी है ते आज ही इंटरनेट दे मसाइल बहु ढेर सारे पेश आने पैन। इवें थोड़ी देर दे बाद वला जड़ा है इंटरनेट डिसकनेक्ट थी वेंदे ते वल दोबारा कोशिश करेंदे हैं वल निजामी साहब सारे नाल रल आनन। हुण वला कोशिश करेंदे पए निजामी साहब नाल जिहड़ा सारा हुण अगला सवाल ये हो सी। जाहिर है पीपल पार्टी ने एक सैनेट दे विच बिल पास करवाया ते वल जिहड़ा है साजी वला तुसां इक दफा सारे नाल शामिल हो। हुण सवाल ये है कि सरायकी सूबे की मंजिल जिहड़ी है उसां किवें हासिल कर सकते हैं, क्या तुहाडे ख्याल दे विच करना चाहिए जे असी सरायकी तहरीक दे अगवाणे को कारकुने को सोजवाणे को सिर्फ और सिर्फ सियासत का रस्ता है और कहीं भी कौमी जिद्दोजहद के हसूल का रस्ता तमाम लोगों को अपने नाल मिलावण होंगे उन्हें उन गाल का शऊर देवण होंगे ओ मंजिल आसान थी है। लोगों को ये गाल का शऊर दो और उन्हें को सराय की सूबे की जिद्दोजहद वास्ते तैयार करो। ये जेडे सराय की सूबे के मौका पर सियासतदान हैं जेडे वोट तो गिनण चाहते हैं मगर वो ये काज को समझेंगे नहीं शाहने दे मफादार पसे पुलु बाहर है ओ जाली नाराबाजी करके ओ जो करे सन। मैं समझता कि सब गुरु पहली गल ते है कि मसीह पे बन दे लोग शऊर बेदार करने की सूरत है कि जी असर सराय की है और असा वोट ऊं कुड़े सु जेड़ा सियासी सराय की सूबे की गाल करे सी। मैं वैसे ये अर्ज करने वाले चाहवा मैं के शॉर्टकट यही टाइप की कोई हरकत कई कौमी तहरीक के वास्ते नुकसानदेह होगी फायदेमंद नहीं होगी। हर कोई अगर आखे कि जी बस ये असा है बड़ा और मैं वोट से डे मैं तो प्राण साहब तो संगे सराय के इलाके के मौका पर सियासतदान है तू सायम जान के लिए हम पिछे खड़े हुए तुम्हारे मसे के लोग हैं एक गल दसो अगर तुस लोग नहीं मसे दे अपने वतन के एम एल ए जान दे तो 75 दिए दरवेश सियासी कारकुन दानश्वर मूवमेंट चलाई है सब कुछ वो जमाना भी याद है कि मजाक ही नाल करना आले ला ही कोई इलाज होते असल में और जू जू आवामी शुरू है हर कोई आकर लगे जी सराय की सूबा फलाना फलाना ई गाल को समझो कौमी शऊर और उनकी बुनियाद पे सियासत मुस्तकिल सियासत 24 घंटे और ये पता है इन्हें रवैया क्या होंगे इन्हें लोगों का रवैया ये होंगे जी एस्टैब्लिशमेंट या गवर्नमेंट के लोग हैं फला तो सियासत ना करो करो ना करूणा से रोज चली जाने बयानबाजी होती फलाने ऐसी मसाइल कराची के मसाइल से सियासत ना करो फलान उस जालिमों 24 घंटे सियासत करनी चाहिए है मसाइल के हल की वाहिद राह सियासत है। सियासत नापाक नहीं सियासत मुकद्दस है ही वास्ते को लोगों ने मुतालबा को रख दिया है और अगर कोई धोखा ही ना दिला दे तो लोगों को पता लग गया कि ऐसा धोखा प्यारा ने सारे मुतालबात होते और सही क्या है बिलाकर सही राह का इंतखाब कर सकते। मैं तमाम सराय की पार्टी को अपने तजर्बे की बुनियाद पर गुजारिश कर सा के इन्हें मौका प्रस्त को मुस्तरद करे दे और ये गाल खुलम खुला आखनी चाहिए है और ये मुतालबा होना चाहिए हर पास हो कैसा तुम्हारे को सेक्रेटरी नहीं मंगा ये गुड गवर्नेंस ये तुम्हारे रोल है मेरा माशी इस्तेसाल और शनाख्त का मामला है। मैं सूबा मंगा ज
जल से पार्लियामेंट्री गए, पंजाब की असेंबली विच भी गए, भवन लाख साहब उन्हें थोड़े और तहरीक इंसाफ जो होने पे पता नहीं इंसाफ है या पता नहीं क्या है, उन्हें आख्या सौ जारी सू अपराध सू खिसरो बख्तियार साहब बे असाद साहब और नाल शामिल हैं डट फट मारन की हर कोई आवे दे सो उन्हें कोई याद दिहा नहीं गई अपने मौका परस्त के खिलाफ की जिदोजहद करो ते लोग ये चीज शौक दे कि जी असल सेक्रेटरी बैठ क्या बन गए मेरा सूबा खास की दे मेरी शनाख्त खास की दी अंग्रेज दबिया क्या जुर्म हो गए सही की ना कहते एक रूप का जुर्म भी कोई हो दे कि मेरे मसाइल लुटे गए मेरी मईशत तबाह थी ये नाल ही मेरी अख्तियार से क्या गए नाल ही मेरी शनाख्त खत्म किया गया मैं अंग्रेज दे मुहिब्बे वतन पाकिस्तान नाल ही आजादी पसंद आ मैं अंग्रेज दे फैसले को बिल्कुल मनन की तैयार कान और इशो मुतालबा ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हर सियासी ये बात को कराना चाहिए है कि उस अंग्रेज नानवे या मुखालिफ ही अंग्रेज आप की गाल को सके या मनो मुल्तान अलहदा हैसियत है और मकबूलियत है कहीं किस्म की मौका परस्ती को तस्लीम न करन और लोग और लोग ही मिलन और लोग ही बजन सो इजो इस राय के सुबेला मसला बिलाख ही की जहाड़े सराय की आवाम न सिर्फ सराय की सूबे की सियासत का तो बहुत कैसे बल्कि सराय की शराख और सराय की माशी मसायल के हल वास्ते सराय की पार्टी को बहुत कैसे और बिरूनी पार्टी को जरा सब नहीं मन ले उन्हें अपनी जात में बोसी एक भारी जीत सराय की पार्टी ने जुदो जाता नतीजा उसे जवाब क्यों न सिर्फ अपनी शराख अपना सूबा बल्कि अपने माशी और सियासी मसायल का हल भी उन्हें सराय की पार्टी ने ये जो ये राह है सियासी सराय की सियासी आवाज है हूँ अच्छा ठीक है ठीक है लाइव हो हाली तक की लाइव बने पाए हो मामलात जल्दी ठीक थे वैसे इंटरनेट भी ठीक थिया सी ते सारी ख्वाहिश है कि तुसा अपनी जड़ी तुरी जद्दोजहद है खास तौर पे सियासी कारकुन दे तौर तुसा एक गुफ्तगू कीती है कि जड़ा सारा मीडिया है जड़ा मीडिया दा बयानिया है वो ए है कि सियासत ना करो फलाम मौजू ते सियासत ना करो जबकि तुहाडा आखण ए है कि सियासत करनी चाहिदी है सियासत कोई एडी माड़ी भी नहीं सियासत लोग ने हक की खातिर रहे जेड़ा सारा मीडिया है उन्हें मीडिया के किरदार तो किवें दे दिना ओ सियासत दे अगेंस्ट या सियासत दे मुखालिफ क्यों है सर ठीक है तो उस्ताद निजामी साहब नाल सारी बैठक जारी है ते सारा दूजा क्वेश्चन ए है के बात सारा ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਲ ਇਹ ਬਿਆਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਥਏ ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਜਾਇਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਇਹ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਸਲ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ और पहली गाल सिर्फ मार्शल्ला क्यों लगे लगते रह गए वो ही वास्ते लगते रह गए कि अवाम की आवाज को दबाओ पाकिस्तान ने आजाद लोग इंतहाई बाइज्जत और बेबाकार लोग हैं मार्शल्ला लगने का मतलब क्या है
ਜਿੱਥੇ ਆਇਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਉੱਥਾ ਆਦਮੀ ਕੋ ਗੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਮਕਾਲਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹਕੂਕ ਔਰ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਮਕਾਲਮੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨਸੂਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚਾਦਰ ਇੱਕ ਦਬਾਵਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਯਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 11 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੈਦ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਸਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਮਲੀ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਅਸਾਂ ਕਿਉਂ ਆਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇ ਹਰ 24 ਘੰਟੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਹੀ ਨਾ ਥੱਕਣ ਬਿਲ ਆਖਿਰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਸਤ ਇਹ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਗੱਲ ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਮਹੂਰ ਹੈ ਸਾਈ ਦੇ ਪਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਨਨ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਫਲਾਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਲ ਤੁਸਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਵੋ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਨਮ ਦੇ ਦੀਏ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਨੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਰੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨੇ ਉਹ ਖਿੰਨ ਕੇ ਆਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਦੇਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਜਾਂ ਕਿਆ ਹੋਵੇ ਕਬੱਡੀ ਹੋਵੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਵੇ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਿਆਸਤ ਰੂਹ ਹੈ ਕਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੰਤਹਾਈ ਆਵਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਕਰੇ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਵਾਰ ਰਲਿਆ ਹੋਏ ਆਵਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਰਿਟਰਨ ਕਈ ਯਾਦ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਕਾਇਦੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਾਇਦਾ ਕਿ ਸਰ ਬੰਗਾਲ ਚੋ ਸਰਵੰਦੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਫਜ਼ਲੁਲ ਹੱਕ ਹਨ ਮੌਲਾ ਫਜ਼ਲੁਲ ਹੱਕ ਹਨ ਔਰ ਸਹੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਜੋ ਕਾਇਦਾ ਸਾਥੀ ਕਾਜ਼ੀ ਈਸਾ ਸਾਹਿਬਾ ਜਾਫਰ ਖਾਨ ਜਵਾਲੀਆ ਬਈ ਸਿੰਧ ਜੋ ਜੀ ਐਮ ਸੈਦ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਲਾਮ ਸਰ ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾ ਫਲਾਹ ਸਾਰੇ ਅਸਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹਾਰੂਨ ਪੰਜਾਬ ਚੋ ਮੀਆਂ ਇਫਤਖਾਰਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਤੋਬਾ ਮੀਆਂ ਇਫਤਖਾਰਉਦੀਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੌਲਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹਰ ਨੇ ਜੁਦਾ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਮੁਤਾਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਦੇਵੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਆਸੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਣਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨੇ ਨੇ ਜਿੱਦੋ ਜਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਅਸਾਂ ਕੋ ਫੰਦਾ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਹੀ ਕੁਝ ਆ ਦਿਨ ਮਰਾਤ ਗਿੰਨ ਉਹ ਆ ਦਿਨ ਸਿਆਸਤ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਕੂ ਵਧੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਮਝ ਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਥੀ ਦੀ ਜਦੀਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਖਤਮ ਥੀ ਗਿਆ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ਮਾਸ਼ਾ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਕਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਪੈ ਬਦੋ ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੂੰ ਐਮਐਨਏ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਬੈਠੀ ਤੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ
तू साफ ही किता है हर शह मुशरफ ने नहीं है सियासत लिहाजा मैं सराय की बिरादरी को आखा हर वेले सियासत करो सियासत ही वाहिद चीज है जेड़ी तो आपको हर मुसीबत को निजात दे सी सियासतदान के खिलाफ प्रोपेगेंडा सियासी कारकुन के खिलाफ प्रोपेगेंडा इसका क्या मतलब है पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान के लोग मकान बंद नहीं कर सकते पाकिस्तान के लोग बुद्धू हैं अहमक हैं बेवकूफ हैं ये पाकिस्तान का सियासी कारकुन है कि पाकिस्तान के लोग बाइज्जत बाविकार और आजाद लोग हैं लिहाजा ये घिनौनी साजिश है पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ और जिना पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है चौबीस घंटे सियासत करनी चाहिए हर मसले से सियासत करनी चाहिए भावे तालीम है भावे बीमारी है भावे सैलाब है भावे कुछ है चौबीस घंटे हर बंदे को करनी चाहिए ताकि तुम्हारा माशी सियासी समाजी मसाइला तो मैं खास तौर पर ये सारी गाल बात बात सराय की भिरा में पाक सा अल्लाह ने वास्ता ही सियासत करो सियासत सियासत इो सूबा बने सी इजा तुम्हारे मसाइल वास्ते हल करे सी इजा ही तुम्हारी निजात दी रहा है जरा सियासत को आधे कोई शायद ये कोई ओपरी शह है ये कोई अवाम है हालांकि इवें नहीं सियासत अवाम दोस्त है सियासत हर वेले करनी चाहिए सियासत हर मामले च करनी चाहिए सेहत ते सियासत होनी चाहिए तालीम ते सियासत होनी चाहिए बीए जेड़े सिविक फैसिलिटीज हैं उन्होंने उत्ते सियासत नाल वल सारा राबता थी वे तो निजामी साहब को असा सवाल ये करेसूँ के निजामी साहब सियासत सियासत जड़ा है नौजवान दोस्त वास्ते ताले बिल में वास्ते पैगाम ये है कि तो कोई गाल कोई नौजवान को इल्म होना चाहिए कि पाकिस्तान दे तहरीक दे विच नौजवान दा बहुत बड़ा किरदार आ और पाकिस्तान दे विच शहीद जुल्फकार अली भुट्टू जी ने तहरीक चलाई है पाकिस्तान दे तमाम नौजवान उनका साथ दिते और एक बहुत बड़ी बड़ा तब्दीली आई पाकिस्तान के अंदर और मैं कुछ जी जिम्मे याद है अवामी लीग की तहरीक तालिब इल्म का बहुत बड़ा किरदार रहा और उन्होंने इस पाकिस्तान उतना एम एन ए बन गया इवे बलोचिस्तान इंतहाई पसमानदा सूबा समझा वे 70 के इंतखाब के बीच BSO का जो चेयरमैन है वह MNA बन गया पाकिस्तान में इवें हर जात तालिब इल्म में कम किते और एक किरशा का नतीजा है सियासत क्या है सियासत है अपने समाज को समझ अपने समाज के मसायल को समझ हकूमत की कारकर्दगी को हकूमत के जुल्मो तशद्दुद को उनके इस्तेहसाल को समझ और ये समझ के पाकिस्तान के विच मेरी हैसियत क्या है मेरे इलाके की हैसियत क्या है बिन्हे नाल मेरा क्या ताल्लुक है ये गाल को समझ ये सब को अहम गाल है कि मैं कौन हूं ये वास्ते हर तालिब इल्म को जब तक के वो सियासत न करे सी इवे हर नौजवान को ताकू इल्म होना चाहिए कि 2400 सीटें दे वास्ते 2 लाख को ज्यादा नौजवान आया खड़े अगर 2400 ते मिल गया बाकी 2 लाख कितना वैसे 2 लाख को ज्यादा मेरा कर देता सी लाइक पीपीएस बेरोजगारी और बेरोजगारी के नतीजे बेपनाह
جرائم اور تہاڈے انسانی حقوق مثلا صاف ہوا اور صاف میں وجہ گل بھی چھوٹی گا صاف ہوا اور صاف پانی دا تہاڈا بنیادی حق ہے نا زندہ رہنا وہ کیتا ہے پاکستان لہذا یہ مسئلہ کو حل کیوں کرے سو حل ایویں کرے سو کہ تسا اس معاملے کو سمجھو کیڑی شاہ حل کرے سی یہ سیاست کرے سی پاکستان دے تے جڑے لوگ ناجائز کام کرتا ہے ملک دے لوگوں کی توہین کیتی ہے بےزتی کیتی ہے ملک دے مارشل لا رہے ہیں ملک دے 22 کروڑ لوگوں کو چارٹر کو ختم کیا زندہ رہن دے چارٹر کو بننے نے او آدم سیاست نہ کرو یہ مطلب ہے سیاست تو انہوں گوگا نے دیا نا تھوڑے تو فائدے کی گال ہے لہذا پاکستان کے تمام نوجوان سائیکی مسائل کے نوجوان کو خاص طور پہ سیاست کرو سیاست سیکھو جتھا بھی پرانا سیاسی کارکن بیٹھے اندر نال پٹکڑاک مارو تاکہ وہ بہت سارے پاکستان کی تاریخ کو مسخ کیتا گئے بالکل ہی 100% جھوٹ ہو جائے دے پاکستان کی تاریخ نصابی کتب اخبار رسائل کو لکھ نہیں سکتے لہذا وہ سیاسی کارکن تو سن کہ اصل گال کیا ہے واحد اور اے پاکستان کے نوجوان واسطے میرا پیغام ہے تعلیم حاصل کرو تعلیم دے نال نال سیاست کرو مزدوری کرو نال سیاست کرو حل چلاؤ کچھ کرو سیاست لازمی ہے اے ایویں ہے تہاری زندگی واسطے جی اس ساہ گئے جڑے تو آپ کو لٹ مار کر رہے ہیں جڑی تہاری توہین کر رہے ہیں جڑے تو آپ کو انسان نہیں سمجھ رہے وہ آدم سیاست نہ کرو یہ مطلب ہے سیاست تہاڈے فائدے کی گل ہے چیزاں کو اپنی ضد کو رخ جاتا کرو اگر یہ ملک کا برماش چولا ہے آپ کہ سیاست نہ کرو تو یہ مطلب ہے تو آپ کو کرنی چاہیے اتو سمجھو ہر ویلے وقت کٹو اسو تو آپ کو ذاتی زندگی لی بھی چیز تو آپ کو مزاحمت سیکھے سی ان پرفیکٹ تھی سو مضبوط تھی سو ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ حوصلہ مند برداشت آتی ہے اعلیٰ لوگ بن سو اور تو اپنے مسئلے حل کرے سو ملک کے مسئلے بھی حل کر سو انہیں جو سمجھو سیاست تمہاری روح ہے یہ لازمن کرو لازمن کرو کچھ تھی ونجے سیاست لازمن کرو ساکوں دسینے پہن سیاست دے بارے چ تے نوجوانے کو پیغام بھی دینے پہن کہ نوجوانو سیاست ضرور کرنی ہے ساکو یقین ہے نظامی صاحب دا جڑا اے میسج ہے جڑا اے پیغام ہے سنیہ ہے ساری نینگر نسل تک پہنچ گیا اسی اساں کوشش کرے سوں کہ نظامی صاحب دے نال ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਲੀ ਸਵੇਲ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਗਜ਼ਨਫਰ ਅਬਾਸ ਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਵੱਲ ਕਈ ਬੇ ਵੇਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੱਲ ਕਈ ਬੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਸਾਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ